सीमा नकवी ने। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये अखिलेश यादव जी भी मौजूद हैं, शिवपाल यादव जी भी हैं, डिंपल यादव जी भी हैं और आदित्य यादव जी भी हैं। चुनाव प्रचार जो है थम चुका है और आज वोटिंग हो रही है और सभी के चेहरे पे काफ़ी सुकून नज़र आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सब पुरसकून नज़र आ रहे हैं, यानी कि आश्वस्त नज़र आ रहे हैं। बात करते हैं डिंपल जी से। डिंपल जी, आज मतदान हो रहा है, आप लोगों ने भी मतदान किया, किस जगह पर पा रही हैं अपने आप को? मैं समझती हूँ कि लोगों का साथ और समर्थन मिल रहा है और लोग तैयार हैं इस क्षेत्र के कि नेताजी के सम्मान पे आज वोट करें। एक सवाल ये था, नेताजी की गैर मौजूदगी में ये पहली बार ऐसा है कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है, तो कितनी कमी खल रही है आप लोगों को नेताजी की? नहीं, कमी तो खलेगी ही, लेकिन यह नेताजी का ही चुनाव है, ऐसा ही मान के हम भी चल रहे हैं और क्षेत्र की जनता भी चल रही है, क्योंकि नेताजी ने लगातार 50 सालों तक इसी क्षेत्र में काम किया है और इस क्षेत्र ने विकास का रास्ता देखा है। तो जीत से आश्वस्त हैं आप? जी बिल्कुल। अखिलेश जी से भी पूछ लेते हैं। अखिलेश जी, बहुत बड़ी जो है वो चुनाव रहा, काफ़ी मेहनत किया आप लोगों ने और काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा आपके कार्यकर्ताओं को, किस तरह से देख रहे हैं? मैनपुरी की जीत बड़ी होगी और जनता एक एक मतदान नेताजी को याद करके कर रही है। जितना भी विकास यहाँ दिखाई दे रहा है सब नेताजी का कराया हुआ है और इस क्षेत्र को और आगे बढ़ाया, नेताजी ने एक पहचान दी। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नेताजी ने जो विरासत में हम लोगों को दिया है, जो राजनीति में समाजवाद की विरासत दी है, उसको और कैसे आगे तक लेके जाएं। यहाँ तक तो नेताजी लेकर के आए, अब जब नेताजी नहीं हैं तो जो नेताजी की लड़ाई थी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक, उसको कितना आगे लेकर के जाएं, ये हमारी जिम्मेदारी है। और मुझे उम्मीद है मैनपुरी की जनता इस बार समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक वोटों से जिताने जा रही है। एक सवाल ये था कि आज सुबह से शिकायतों का दौर चल रहा है, रात में भी काफ़ी शिकायतें आप लोगों के पास आती रही हैं, तो ये किस तरह का माहौल देखने को मिला इस बार के चुनाव? जिस समय से नॉमिनेशन हुआ है और आज तक और अभी तक हम देख रहे हैं, लगातार प्रशासन बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है। जो सेंटर फोर्स आए भी हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता जहां कह देते हैं वहीं यहां की लोकल पुलिस लेकर के उन्हें पहुंच जाती है। कई जगह बस्ता नहीं लगने दिया, कई जगह बस्ता छीन लिया, कई जगह शिकायतें आ रही हैं कि बीजेपी के लोग प्रशासन के माध्यम से वोट नहीं पड़ने दे रहे हैं। तो इन सब शिकायतों को लगातार कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन लगातार निगरानी रखेगा, कार्रवाई करता रहेगा, जिससे कि पूरा मतदान हो सके। एक नारा दिया गया था कि 100 में 60 हमारा है, बाकी में बंटवारा, उस नारे का क्या होगा? नहीं, देखिए वो लड़ाई आज की नहीं है, ये डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लड़ाई और सोशल लड़ाई साथ साथ चलती है और उसी को आप देखते हैं। आप बीजेपी ने क्यों साकिब प्रत्याशी उठाया? क्यों वो पिछड़े में बंटवारा चाहती है? क्यों मेरे खिलाफ बघेल को लड़ाया? वो इसलिए कि बंटवारा चाहती है, बीजेपी बांटना चाहती है और कभी भी उनका हक और सम्मान नहीं देगी। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान दिया, उसके तहत जो हमें विशेष अवसर मिलता है, जो हमें नौकरियों में अधिकार मिले, उन सब अधिकारों को छीनना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। तो चुनाव से आश्वस्त हैं पूरी तरह से आप? चुनाव और चुनाव ऐसे ही होते हैं, चुनाव में लड़ना पड़ता है। हमें खुशी इस बात की है कि हमारा कार्यकर्ता डरा नहीं, हमारे कार्यकर्ता पीछे नहीं हटे और उसका परिणाम यह है कि अच्छी तरह मतदान हो रहा है। बातचीत के लिए शुक्रिया। शिवपाल यादव जी भी हैं, यहाँ पे मौजूद हैं। शिवपाल जी, काफ़ी मेहनत की, रात रात भर सोए नहीं आप लोग, कैसे चुनाव को देख रहे हैं? देखिए आज वोट पड़ रहे हैं तो देखिए डिंपल को इतना बहुमत मिल रहा है, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी। रिकॉर्ड तोड़ जीत की बात सर कर रहे हैं आप, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो परेशान करने का काम किया गया, ये आरोप लगाया आप लोगों ने और लगातार निगरानी भी कर। देखिए ये हमारे कार्यकर्ताओं पर उत्पीड़न तो आज भी चल रहा है और ये शुरुआत से ही चल रहा है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने और जनता ने मुकाबला किया है और इतना मुकाबला किया है और आज भी देखिए कहीं कहीं पोल स्लो कराया जा रहा है, कहीं कहीं एजेंटों को बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये देखिए जो भी गाइडलाइन है उसकी अवहेलना कर रहे हैं, लेकिन हमारे कार्यकर्ता मजबूती के साथ लड़ रहे हैं।
अंकुर यादव जी से भी बात कर लेते हैं। सर, आपने भी वोट कास्ट किया है, क्या कहेंगे? देखिए, जीत होगी, कोई दिक्कत नहीं है, बस अच्छा वोट चल रहा है, बस ठीक है। अच्छा अच्छा वोटिंग चल रही है क्या जीत से आश्वस्त? अभी हाँ, बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त हैं और अच्छी जीत होगी, निश्चित ही जनता का पूरा समर्थन है। ये पूरा परिवार एक साथ आज जमा हुआ है और बैठक में जो है वो तमाम मुद्दों पे बातचीत हो रही है, चर्चा हो रही है और चुनाव को लेकर काफ़ी आश्वस्त सारे लोग नज़र आ रहे हैं। डिंपल यादव हों, अखिलेश यादव हों, शिवपाल सिंह यादव हों या आदित्य यादव हों, सबका यही कहना है कि जनता इस बार पूरा मूड बना चुकी है और भरपूर तरीके से मतदान कर रही है। आने वाले समय में सभी को देखने को मिलेगा कि कितनी बड़ी संख्या में डिंपल यादव की जीत होगी। कैमरामैन अमीश के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, सैफई।